टुडे वी विल डिस्कस जीके क्लास फोर्थ क्लास की जीके की ये वीडियो है। लेसन का नाम है सोब्रीक्यूट्स। सोब्रीक्यूट्स क्या होता है? उपनाम। जैसे हम अपने नाम के आगे जो सरनेम लगाते हैं, निकनेम लगाते हैं, उसको क्या नाम बोलते हैं? सोब्रीक्यूट्स, उपनाम। सोब्रीक्यूट्स आर द निकनेम गिवन टू समबॉडी, समथिंग और सम प्लेस। सोब्रीक्यूट्स क्या होता है? किसी को दिया हुआ निकनेम या तो उपनाम या उसका छोटा नाम, गिव टू समबॉडी किसी भी इंसान को, समथिंग किसी भी वस्तु को, और सम प्लेस किसी भी स्थान को। तो आज हम इस लेसन में उन कंट्रीज के नाम पढ़ेंगे जिनके सोब्रीक्यूट्स हैं। जैसे फर्स्ट है सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल मतलब सुनहरा मंदिर। सुनहरा मंदिर जहां पे है, गोल्ड का बना हुआ है, सोने का बना हुआ जो मंदिर है, उस शहर का नाम बताना है हमें। तो क्या नाम है उस शहर का? अमृतसर। अमृतसर में क्या है? गोल्डन टेम्पल है, जो सोने का मंदिर बना हुआ है। अमृतसर की विशेषता है ये। अमृतसर को किस नाम से जाते हैं? सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल, या सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल कहाँ पे है? अमृतसर में। नेक्स्ट है द लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट मतलब सफेद, एलिफेंट मतलब हाथी। सफेद हाथियों की धरती किसको बोलते हैं? थाईलैंड को। किसको बोलते हैं? थाईलैंड में सबसे ज्यादा क्या होते हैं? सफेद हाथी। द गिफ्ट ऑफ द नील। नील का गिफ्ट किसको माना जाता है? इजिप्ट। इजिप्ट में नील नदी को क्या माना जाता है? नील नदी का गिफ्ट। पियल ऑफ इंडियन ओशियन। पियल मतलब मोती। भारतीय समुद्र का मोती किसको कहा जाता है? श्रीलंका को। श्रीलंका को क्या कहा जाता है? भारतीय समुद्र का मोती। द लैंड ऑफ राइजिंग सन, जहाँ पे सूरज उगता है, उदय होता है, वो धरती कौन सी है? जापान। जापान से सूरज उगता है। लैंड ऑफ कंगारू। कंगारू जब जहाँ पे बहुत ज्यादा मिलते हैं, कंगारुओं की धरती कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया। सबसे ज्यादा कंगारू कहाँ मिलते थे? ऑस्ट्रेलिया में। सिटी ऑफ जॉय। जॉय मतलब खुशी का। खुशी का देश किसको कहा जाता है? कोलकाता को। द लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स, जिसमें हजारों झीलें हैं, ऐसी धरती कौन सी है? फाइनलैंड। क्या नाम बोलते हैं? फाइनलैंड। आगे है इमरलैंड आइलैंड। इमरलैंड आइलैंड होता है पन्ना द्वीप। पन्ना द्वीप किसको कहा जाता है? आयरलैंड को। नेक्स्ट है लैंड ऑफ गोल्डन पगोड़ा। पगोड़ा होता है शिवालय। पगोड़ा को क्या बोला जाता है? शिवालय। सोने का शिवालय कौन सी धरती पे बना हुआ है? म्यांमार। नेक्स्ट है शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। चीनी का बोल किसको बोला जाता है? कटोरा। संसार में चीनी का कटोरा किसको बोला जाता है? क्यूबा को। विंडी सिटी, हवादार सिटी कौन सी है? शिकागो। क्या बोलते हैं इसको? शिकागो। नेक्स्ट है हर्मिट किंगडम। हर्मिट होता है उपदेश राज्य। उपदेश राज्य किंगडम राज्य किसको बोला जाता है? कोरिया। उपदेश राज्य किसको बोला जाता है? कोरिया को। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। थंडरबोल्ट होता है वज्र। वज्र की धरती किसको बोला जाता है? भूटान को। किसको? भूटान। लैंड ऑफ मेपल। मेपल का मीनिंग क्या होता है? मेपल ही होता है। मेपल की धरती किसको बोला जाता है? कनाडा को। नेक्स्ट है बेल्जियम इज कॉल्ड द कॉकपिट ऑफ द यूरोप। बेल्जियम को क्या कहा जाता है? कॉकपिट ऑफ यूरोप। क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट हैज सीन मोर बैटल्स बिटवीन यूरोपियन पावर देन एनी अदर यूरोपियन कंट्रीज। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा लड़ाई हुई थी। मोर लड़ाई मतलब बहुत ज्यादा लड़ाई बिटवीन किसके बीच में? यूरोपियन जो शक्तिशाली यूरोपियन थे और अदर कंट्रीज थी जो यूरोपियों की अदर कंट्री और जो पावरफुल यूरोपियन थे उनके साथ बहुत ज्यादा युद्ध हुआ था इस कंट्री में। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कॉकपिट ऑफ यूरोप। द मोस्ट फेमस अमंग दीज इज द बैटल ऑफ द वाटरलो। वाटरलो नाम है, वाटरलो का युद्ध हुआ था। तो ये यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। मोस्ट फेमस मतलब बहुत अधिक प्रसिद्ध होना। सभी युद्धों में से कौन सा? बैटल ऑफ वाटरलो। तो क्लियर है आप सब बच्चों को ये सब सोब्रीक्यूट्स का लेसन? मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेसन के साथ। गुड बाय।